बहुत शुक्रिया आईपीएस का और स्पेशली ये प्रोग्राम अरेंज करने का एंड प्लस द एमिनेंट स्पीकर्स. आई एम द फोर्थ वन, सो इफ द थर्ड वन इज इन ट्रबल, सो व्हाट अबाउट द फोर्थ वन. हमारे मिलिट्री में एक वो होता है कि दौड़ होती है कभी माइल की कभी ज़्यादा की, तो जो आखिरी टेल एंडर होता है उसको नॉर्मली स्टाफ कहते हैं कि साहब जल्दी करो, हमने झंडे भी उतारने हैं. तो एनी हाउ ऑन द लाइटर नोट, मैं अपने नोट्स को काफ़ी मतलब है कि कुछ काटा कुछ को फिर दोबारा रिवाइव किया. एनी हाउ फॉरगिव मी फॉर रिपीटेशन. एनी हाउ पहले तो ये है कि जो दो टर्म गुजरे हैं बीजेपी के और स्पेशली अंडर मोदी, तो वो तो हमारे लिए एक एग्ज़ाम्पल है और 10 साल की एग्ज़ाम्पल काफ़ी होती. तो अगर वो सोच रहे हैं जिस तरीके से मैडम ने भी बताया कि मोदी एक आइडल के तौर पर है और वो शायद चेंज हो जाए, तो मेरे ख्याल में एक केमिस्ट्री होती है एक आदमी की. तो केमिस्ट्री का चेंज होना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि केमिस्ट्री यू कैरी टिल द ग्रेव. दूसरी बात ये है कि आया मॉडरेट अप्रोच होगा नेशनलिज्म की तरफ उसका, तो अगर वो हो जाता है तो उसका वोट बैंक तो एक्सट्रीमिस्ट में है, तो कहाँ पर वो बैलेंस करेगा. और एक और बात इसमें आ जाती है कि इस दफ़ा अपोजिशन है और अपोजिशन भी कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन पिछले जो 10 साल थे उसमें अपोजिशन का सीट वैकेंट था, इसलिए उसके लिए रिक्वायरमेंट थी 10% का, लेकिन वो नहीं पूरी कर रहा था कोई भी अपोजिशन लीडर. इस दफ़ा शायद राहुल गांधी उस सीट पर बैठे. एक और चीज़ इसमें आ जाता है कि बीजेपी स्टिल इज़ डोमिनेंट इन द पार्लियामेंट लोकसभा, और उसमें 70 के लगभग मिनिस्टर या वो होते हैं, उसमें शायद 11 जा रहे हैं अपोजिशन को और बाकी जो की मिनिस्ट्री है वो अपने साथ रखेगा. सो इस पॉलिसी विल कंटिन्यू, तो उसमें मोस्टली हार्ड लाइनर्स हैं. एक और चीज़ जो है कि हार्ड अपोजिशन मेरे ख्याल में कि रोला तो मचाएंगे, लेकिन जो कुछ वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पहले कर सकते थे वो अपने 10 सालों में कर चुका है, अब उसको कंसोलिडेट करेगा. एक और इंटरनल उस पर चले जाएं, तो मेरे ख्याल में कि उसके लिए अभी कुछ स्लोगनियरिंग की बजाय सब्सटेंस की ज़रूरत है कि वो डिलीवर करे. तो अगर वो डिलीवर करता है तो बीजेपी के लिए एक और टर्म भी शायद वो बुक कर सके. जहाँ तक उनके इंटरनल मसाइल का ताल्लुक है, चैलेंजेस का ताल्लुक है, तो एक तो उसका एग्रीकल्चर है और आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से किसान एजिटेट करते थे, यहाँ तक कि 1,00,000 ट्रैक्टरों के साथ वो दिल्ली पहुँचना चाहते थे. और मोस्टली पंजाब इज़ द फूड बास्केट, तो वहाँ पर तो सिक्स है, तो उधर अप्रोच उसका डिफरेंट है. एग्रीकल्चर तकरीबन 45% उनके पॉपुलेशन उसमें एंगेज, और मोस्टली ये जो पॉपुलेशन है ये 15% कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द इकॉनमी. तो अब 15% को किस तरीके से ऊपर ले आता है जबकि 55% दे आर द पॉपुलेशन एंड मोस्टली ये अनस्किल्ड है. तो अनस्किल्ड पॉपुलेशन इज़ ओवरवेलमिंगली लार्ज इन इंडिया, जबकि वो बात करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन की. तो जब आपके पास इन अनस्किल्ड लोग हो तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ द अफार्स, उसको अचीव करना बड़ा मुश्किल आ जाता. और हाँ, इसी तरह FDI जो होती है या जो एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट होती है वो भी इस चीज़ को देखते हैं. तो जाहिर है कि एक तरफ पर तो चाइना है, वहाँ पर कितना है, और दूसरी तरफ पर इंडिया है. लेकिन इंडिया के एक और चीज़ भी है कि उनकी पॉलिसी बड़ी टाइट भी है इस चीज़ों के बारे में, जबकि चाइना की पॉलिसी इस बारे में काफ़ी नरम है और ओपन है और स्पीडी है. तो यहाँ पर मेरे ख्याल में कि हर कोई जब देखता है इन्वेस्टमेंट को
उस रीजन को देखता है और फिर उसको सिक्योरिटी भी चाहिए, अमन भी चाहिए और साथ साथ ग्रोथ भी चाहिए। जो सोशो स्टेबिलिटी है वो मेरे ख्याल में कि उसने काफ़ी उसको डैमेज किया है माइनॉरिटीज़ को। अब उसको मुझको 10 साल में अगर वो रगड़ा देते रहे, क्या 5 साल में वो एहसास हो जाएंगे, उसकी तरफ आ जाएंगे, क्यों उस पर बिलीव करेंगे? ये एक मुश्किल काम है उसके लिए। फिर उसकी जो पॉलिसीज़ भी रही है मोस्टली इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, तो इंटरनल जो थी अपोजिशन एंड प्लस माइनॉरिटीज़, इट वॉज एन एब्रेसिव पॉलिसी। और फॉरन पर भी मोस्टली पाकिस्तान और जो छोटे ममालिक हैं उनकी तरफ भी उसकी पॉलिसी एब्रेसिव रही है। अब उससे किस तरीके से और एक माल को निकालेगा और उस पर कुछ और चीज़ लगा लेगा, कोई मरहम वगैरह, एक मुश्किल काम होगा। हम जब आ जाते हैं कि इसके इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ, तो 7% इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ है, काफ़ी मेंटेन किया, लेकिन मेंटेनेबिलिटी एक बड़ा डिफिकल्ट जॉब है। और जब इसको चाहिए मेंटेनेबिलिटी तकरीबन नेक्स्ट 10 to 15 years का, रादर 2 decades का, तब वो शुमार हो जाएगा वन इकोनॉमीज़ में जो आप कह सकते हैं कि वो एक सॉलिड बेस पर खड़ी है। अब ये ग्रोथ में कभी स्पाइक आ जाता है और कभी उसमें डिप्रेशन आ जाता है। और ये हमेशा जिस तरीके से कहते कि चाइना इज़ गोइंग स्लो एंड इंडिया इज़ गोइंग फास्ट, अब इस फास्ट मैराथन को वो किस तरीके से मेंटेन करेगा, एक बड़ा क्वेश्चन है। एक और चीज़ है कि यूथ उसका जो है वो तकरीबन 28% ऑफ द पॉपुलेशन, जबकि चाइना की तकरीबन 43% ऑफ द पॉपुलेशन। लेकिन फ़र्क ये है कि वो स्किल्ड और वो डिलीवर करता है और प्लस उनको प्रोटेक्शन है और उनके बेहतर वेजेस हैं, जबकि यहाँ पर वेजेस भी कम है, अनएजुकेटेड भी है और साथ अनस्किल्ड भी है। तो ग्रोथ को इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर या इस ह्यूमन रिसोर्स पर रखना एक मुश्किल काम होगा। ये एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, जो मैंने बताया कि प्रिमिटिव उस पर है, और जब प्रिमिटिव होता है और फिर वो अपोजिशन में भी हो और फिर उसका जो फूड बास्केट अगर पंजाब है और फिर उन पर जो बड़े बड़े साहूकार या आप कह देखे बिलीनियर्स, वो उनका गल्ला लेता और उनको गोदामों में रखता हो और फिर मौके पर उसको बेचता हो, जो उन्होंने ये पॉलिसी इख्तियार की है, तो मेरे ख्याल में ऑलरेडी देव गिवन अ डेथ ब्लो टू दी एग्रीकल्चर। तो इंटरनली मेरे ख्याल में अगर इनकी ये ग्रोथ स्लो हो जाती है तो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टर बिसाइड इस बड़े पॉपुलेशन के साथ जो तेल का है बड़ा इम्पोर्टर है, इसी तरह एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का भी एक इम्पोर्टर बने। पर इंडिया की जो पॉलिसी है प्रोटेक्शनिस्ट है, क्योंकि टैरिफ्स इनके बहुत हाई है, जबकि ट्रेड में आपको प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी नहीं चाहिए, लिबरल पॉलिसी चाहिए, जबकि यूरोप की पॉलिसी जो काफ़ी लिबरल है, लेकिन इनकी काफ़ी प्रोटेक्शनिस्ट। कब तक इसको ये मेंटेन करेगा ताकि वहाँ पर हो? एक और जो इन पर मेहरबान है अमेरिका और इसके अलावा वेस्ट, ये मेहरबानी कहाँ तक रहेगी? क्योंकि जब तक उनके लिए वो काम नहीं करता जो उससे चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में कि उन पर एक फटीक फैक्टर आ जाएगा कि कब तक इसको सपोर्ट करे, कि या तो वो डेली कर रहा है या वो डिलीवर नहीं कर रहा है। लेकिन ये बात तो साफ़ है कि चाइना को वो कन्फ्रंट नहीं कर सकता और न करेंगे, क्योंकि इनके लिए बहुत बड़ी कीमत उसको अदा करनी पड़ी। हाँ, जो आसियान है इसके अलावा साउथ चाइना सी है, उसमें कुछ न कुछ वो हरकत या किस किस्म की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स वगैरह वो करते रहेंगे।
जहाँ तक एक बात अली साहब ने पढ़े उससे की कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, उस पर थोड़ा सा मैं स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटेजी कमेंट करना चाहूँगा कि इंडिया की 70% इन्वेंट्री सोवियत यूनियन की थी और रशिया, और अब भी काफ़ी हद तक जो उस पर मेंटेन कर रहा है, और अब भी इस 400 सिस्टम्स और ये SU-30 वगैरह ये ले रहे हैं। अब उन्होंने कुछ डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की है, लेकिन वो 70% इन्वेंट्री मोस्टली अब्सोल्यूट हो चुकी है। तो इन्होंने जो टारगेट रखा था कि 2027 तक इसको वो बैलेंस आउट कर जाएंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेंगे, लेकिन उनके जो वाइस चीफ थे 2010 में, उसने जब पूरे इनको स्टडी दी गई थी तो उसने कहा था तीन चीज़ें कि एक तो ये कि हमारी इन्वेंट्री जो है 70% रशियन ओरिजिन है और वो अब्सोल्यूट हो चुकी है, वी कांट फाइट विद दिस इन्वेंट्री। दूसरा, वी कांट मेंटेन दिस इन्वेंट्री। और तीसरा उसने कहा वी कांट ऑब्जर्व द मॉडर्न टेक्नोलॉजी या किसी दूसरे उसका। और फिर उसने कहा कि जब इसको इंडक्ट हम करेंगे तो इट विल बी टेकिंग डिकेड्स जब उसको हम ऑपरेशनल मोड में ले आएंगे। तो मेरे ख्याल में कि उनको अभी ये जो टारगेट है ये काफ़ी दूर है। एक और जो उसमें कि आया इसने अपने अली साहब ने बड़ी उससे बट अपनी कंक्लूडिंग रिमार्क्स में कहा कि साइबर वार, डिजिटल वार, फिफ्थ जनरेशन वार, स्टेप यूज़ ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, पाकिस्तान की आइसोलेशन, डिप्लोमेटिक, इसके अलावा इकानमी को डिग्रेड करना, ये उनके स्टेटेड गोल्स हैं। लेकिन अब भी वो जो 75 बिलियन वो खर्च कर रहे हैं डिफेंस पर, ये 75 बिलियन इज़ टू मच अगेंस्ट पाकिस्तान। 11 बिलियन के लगभग हमारा डिफेंस बजट, लेकिन अगर वो चाइना का तो फिर दे आर नो वेयर। अब इन दो के दरमियान वो किस तरीके से बैलेंस रखेगा? अगर वो चाइना को कम्पीट कर रहा है तो फिर तो शायद अनदर 25 to 50 ईयर्स, और अगर वो पाकिस्तान को कम्पीट कर रहा है तो पाकिस्तान इज़ इन ए डिफरेंट मोड। और वो डिफरेंट मोड ये है कि कन्वेंशनली एंड प्लस ऑन द न्यूक्लियर नॉन कन्वेंशनल फ्रंट जो है वी आर बैलेंस्ड एंड वी आर कंफर्टेबल। तो एक उनके पास वो आ जाता है कि सब कन्वेंशनल, सब कन्वेंशनल पर वो छेड़छाड़ कर रहा है और उसको सपोर्ट भी कर रहा है, अजीत डोवाल की जो स्ट्रेटजी है या जो उनका डॉक्ट्रिन है। तो मेरे ख्याल में कि इंडिया की अभी जो हार्डवेयर है, ख्वा वो मिज़ाइल्स है, ख्वा इसके अलावा इनके जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, या इसके अलावा जो वो एयरक्राफ्ट कैरियर है, ब्लू वाटर नेवी वो बना रहे हैं, ये बहुत कुछ वो सोच रहे हैं और कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान इस लिहाज से मेरे ख्याल में कि अपने फ्रंटियर्स में और अपने वाटर्स में ख़ुद को काफ़ी सेफ वो महसूस कर रहा है। तो इफ़ वी आर कंपेटेबल विद 11 बिलियन अगेंस्ट 75 बिलियन, तो लेट देम स्पेंड मोर। तो उस रेस में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो चाहते हैं कि उस रेस में हम पढ़ जाएं। हाँ, एक और उनके फॉरेन पॉलिसी का जो पिलर, बल्कि उसको वो बढ़ा रहे हैं, और वो ये है कि मिडिल ईस्ट पर उनका काफ़ी नज़र है, और मिडिल ईस्ट में उन्होंने काफ़ी इन रोड्स क्रिएट किए हुए हैं, ख्वा वो UAE हो, ख्वा वो सऊदी अरब हो या बाकी जो कंट्रीज़ हों। एक तो ट्रेड, दूसरा उनके CEOs आलमोस्ट एवरी डिपार्टमेंट में, और तीसरा ये है कि मास प्रेजेंस भी उनकी वहाँ पर मौजूद है, और चौथा ये जो कॉरिडोर इनिशिएटिव है इंडिया से यूरोप तक, ये भी है। अगली बात ये कि मिडिल ईस्ट में अगेन उनका एक पार्टनर है इसराइल, उसको वो ऐप भी करता है
कॉपी भी करता है, स्पेशली मुसलमानों के खिलाफ और कश्मीर में, जो उसकी स्कॉर्चर पॉलिसी है उसको मेंटेन रखना चाहता है। तो ये मिडिल ईस्ट स्पेशली हमारे जो उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है वहाँ पर वो स्पेस गेन कर रहा है। एव अनदर न्यू डायमेंशन इज अगेन अफगानिस्तान, जहाँ पर हम जो अभी काफ़ी उस पर बातचीत हो रही है नए ऑपरेशन पर, कि अफगान तालिबान से जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसका उलट हुआ। और अब जो रिपोर्ट्स हैं कि काफ़ी एक्टिवली इंडियन एम्बेसी जो है वो इट्स मिस्क्रिएंट्स को फाइनेंशियली एंड अदरवाइज बड़ा सपोर्ट कर रहा है, बोथ इन बलूचिस्तान एंड केपी। अब पाकिस्तान के लिए खुसूसन ये जो इनडायरेक्ट अप्रोच है ये एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। ये कुछ मेरे जनरल वो थे, कुछ जो बच गया था शायद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।